आंध्रा भ्रष्टाचार पर सीएम सख्त हो गए हैं। सीएम कार्यालय ने पूरी ट्रांसफर सूची तलब की है और सिंचाई विभाग में पैसे लेकर तबादले की शिकायत थी। मंत्री धर्मपाल के विभाग में वसूली की शिकायत, जेई से लेकर चीफ तक की लिस्ट तलब की गई है। सीएम कार्यालय ने तबादलों का औचित्य पूछा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सिंचाई विभाग में वसूली की शिकायत मिल रही थी, जेई से लेकर चीफ तक की लिस्ट को तलब किया गया है। सीएम कार्यालय ने तबादलों का औचित्य पूछा है, सवाल यहां पर पूछे गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम इस पूरे मामले पर काफी सख्त नजर आ रहे हैं और ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, सिंचाई विभाग में जिस तरह से तबादलों में धन उगाही की शिकायत हुई है और तबादला उद्योग चला है और जेई से लेकर एक्सीएन, एई, चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, एसी, इन सबके तबादलों पर मुख्यमंत्री कार्यालय सख्त हुआ, वहाँ शिकायत हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अभी पत्र लिखा है, कार्यालय ने सिंचाई विभाग से सारा डिटेल मांगा है जो सूची जारी हुई है ट्रांसफर की, और उसमें औचित्य पूछा है कि किस आधार पर किया गया है, किस किस सिफारिश पर तबादले किए गए हैं। मंत्री धर्मपाल सिंह का विभाग देखिए भ्रष्टाचार के मामले में यूपी में अव्वल जा रहा है और वो तबादला से लेकर सिंचाई के ठेकों तक में बवाल होता रहता है, और जो इनके अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं भूपेंद्र शर्मा, वो खुलेआम तबादलों में लिप्त हैं और जेई और एई के स्तर पर भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें उनके खिलाफ आती है, उनका रिटायरमेंट करीब है, तो आखिरी वक्त में वो दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी शिकायत मिली है, उम्मीद यह की जाए कि पूरी तबादला सूची निरस्त होगी और जो भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। वीरेंद्र जी, क्या बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में जो सवाल किया गया उस पर क्या जवाब दिया जा सकता है, क्या सफाई दी जा सकती है इनकी तरफ से और कब तक ये सवाल के जवाब देने हैं? देखिए, सीएम कार्यालय द्वारा सूची सब तलब की गई है जो ट्रांसफर हुए हैं, तो 128 एक्सीएन की और 27 एसी की सूची भी पहले ही मंगा ली थी मुख्यमंत्री कार्यालय ने, तो मामला बहुत गंभीर है। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई है और भ्रष्टाचार से लगातार लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता की बात कही थी लेकिन उनके मंत्री हैं वो मानते नहीं हैं और उनके अधिकारी और बेईमानी के कारण सरकार की बदनामी हो रही है। ऐसे में सिंचाई विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आया है और तबादले में जो धन उगाही की बात हुई है, शिकायत हुई, उसका परीक्षण करेगा सीएम कार्यालय और इनको सूची देनी होगी और मुख्यमंत्री चाहेंगे तो सारा तबादला निरस्त कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने पैसा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए।